भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर 3D पोर्ट्रेट रंगोली बनाने पर सम्मानित होने वाले उदय कुमार ने बताया कि बचपन से हमें कुछ अलग करने का जुनून था तथा कई जगहों पर रंगोली बनाने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि अपने माता पिता, समस्त गुरुजनों एवं मित्रों के सहयोग से लक्ष्य पाने में कामयाबी हासिल की और लगभग 19 लोगों की टीम ने लगातार 5 दिनों तक अनवरत कार्य करके भारत की सबसे बड़ी 3D पोर्ट्रेट रंगोली बनाकर गोरखपुर का नाम रोशन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आर्टिस्ट उदय कुमार ने कहा, मेरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 3D पोर्ट्रेट रंगोली 2000 स्क्वायर फीट में मैंने बनाया था, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो गया। मैं बचपन से ही ड्राइंग करता था और कुछ अलग करने की मतलब सोचता था, कुछ अलग करूं। और एक दी थी मेरी जो सानवी, जिसका नाम था, उन्होंने देखा मेरी ड्राइंग को और उन्होंने कहा कि कुछ अलग करो। उसके बाद ही मैंने सोचा कि कुछ अलग करना है और उसके बाद मैंने 26 जनवरी को ही 3D पोर्ट्रेट रंगोली बनाई, जो कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी रंगोली थी। और उसके बाद मैंने नौका विहार पर पुलवामा अटैक पर शहीदों को बनाकर नमन किया और महाशिवरात्रि पर भी मैंने बनाया। ऐसे ऐसे कार्यक्रम मैं काफ़ी दिनों से करते आया हूँ, करीब 1 साल से अपनी टीम UK आर्ट संस्था के नाम से बनाकर, और उसके बाद मैंने ये इंडिया रिकॉर्ड बनाया। कितने लोगों की टीम? ये पूरी 19 लोगों की टीम थी।